Hello friends, today I deliver a lecture on the topic of agriculture jobs, careers after the completion of BSc AG. तो BSc AG करने के बाद जो है आप कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, जॉब्स पा सकते हैं, तो इसकी आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो BSc AG क्या है कि जो काफ़ी ब्रॉड जो है इसका स्कोप रहता है, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी दोनों में रहता है। तो अभी जो है गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। और एक चीज़ और है कि एग्री ग्रेजुएट्स जितने हैं वो अदर ग्रेजुएट्स के मुकाबले काफ़ी जो है उनको प्रायोरिटी मिलती है बहुत सारे सेक्टर्स में, और इससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं और बहुत सारे जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये लोग जा सकते हैं। तो इसलिए अगर तैयारी अच्छे से करें, अच्छे से ध्यान दें, ठीक है, तो काफ़ी कुछ जो है ये जल्दी इनको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो आते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर की बात की जाए तो इसमें सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग में जो है आप IFS होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें केवल वही केवल ग्रेजुएट लेवल के जो है एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स ही जा सकते हैं IFS में, ठीक है। इसके अलावा जो है नंबर सेकंड पर है PCS, स्टेट PCS में अलग अलग स्टेट में PCS का लेवल की जो है PCS की वैकेंसी आती है, जिसमें बहुत सारे जो है पोस्टें आती हैं जिसमें एग्रीकल्चर की भी होती हैं। तो एग्रीकल्चर की जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन देता है चूज करने के लिए, उसको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अभी UP में PCS का पूरा अलग से ही आया था एडवर्टाइजमेंट, ठीक ना। तो PCS में जो है जैसे कई सारे पोस्ट हैं, जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है, सुगरकेन ऑफिसर होते हैं, ऐसे कई सारे पोस्टें होती हैं। नंबर 3 है RRBSOR, तो इसमें जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर की होती है। तो ये बैंक सेक्टर की जॉब है जिसके लिए एग्री ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। नंबर 4 है नाबार्ड में जो है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती हैं, जो ग्रेड A और ग्रेड B की होती हैं, जिसमें BSc AG मांगा जाता है, MSc AG भी मांगा जाता है। नंबर 5 है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्टें आती हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर के नाम से। और इसके अलावा जो असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर की भी होती है, कुछ पोस्ट होती हैं लैंड ऑफिसर की भी होती है। तो SSC की है तो इसमें काफ़ी जो है अच्छा सैलरी भी होता है, साथ ही जो है काफ़ी सुविधाएँ भी मिलती हैं। नंबर 6 है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें भी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आती है, जिसमें BSc AG मांगा जाता है, साथ में जो है असिस्टेंट मैनेजर, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है MSc AG मांगा जाता है। नंबर 7 है NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, क्रिप्को और इफको, तो इसमें भी कुछ पोस्ट होती हैं जिसमें BSc AG मांगा जाता है और उसमें MSc AG मांगा जाता है। और ये भी लगभग हर साल ही आती है लगभग पोस्ट, इसमें इन तीनों में से कोई ना कोई हर साल आती है। नंबर 8 है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें जो है फूड इंस्पेक्टर की पोस्टें आती हैं, जिसमें अगर BSc फूड साइंस से हैं या BSc AG हैं तो इसमें जा सकते हैं। नंबर 9 है एग्रीकल्चर बोर्ड, एग्रीकल्चर के कई सारे बोर्ड्स होते हैं, जैसे टी बोर्ड हो गया, स्पाइसेस बोर्ड, कॉटन बोर्ड, सिल्क बोर्ड, टोबैको बोर्ड, जूट बोर्ड, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट, हॉर्टिकल्चर एंड मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जिसमें फील्ड असिस्टेंट की जॉब एग्री ग्रेजुएट्स के लिए होती हैं। बाकी अगर आपने MSc AG किया है तो आप जो है साइंटिस्ट बी की पोस्टें आती हैं, तो काफ़ी अच्छा ग्रेड को उसका होता है, तो उसमें भी आप लोग जा सकते हैं। नंबर 10 है ICR के थ्रू जो है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें होती हैं, टेक्निकल असिस्टेंट, इसके अलावा जो है
अगर आप MSCAG किए हैं तो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 11 जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो इसमें अधिकतर जो पोस्ट होती है MSC लेवल की ही होती है, ठीक है। तो इसमें पोस्ट होती हैं डायरेक्टर लेवल की होती हैं, तो काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। नंबर 12 पर है UP SSC। UP SSC में काफ़ी पोस्टें आती हैं, ठीक है। इसमें शुगर केन ऑफिसर हो गए हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, जिसमें BSC AG मांगा जाता है। तो एक अगर हर साल नहीं आ रही तो फिर भी एक साल गैप करके ज़रूर इसकी पोस्टें आती हैं। इसके अलावा जो है इसमें देखा गया कि ये जो है 2400 ग्रेड पे की होती है, लेकिन अभी जो है हो सकता है फ्यूचर में 4500 ग्रेड पे की हो जाए, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें जानना थोड़ा आसान भी है आप लोगों के लिए, ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नंबर 13 पर है NSC नेशनल सीट कॉर्पोरेशन, तो ये भी बहुत अच्छा जो है सेक्टर्स है BSC AG वालों के लिए, और कुछ पोस्टें होती हैं MSC AG के लिए भी होती है इसमें। नंबर 14 पे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र में जो है BSC AG के फील्ड असिस्टेंट की जॉब होती हैं, और अगर लेबोरेटरी की भी वहाँ पे जो है कभी कभी आती हैं लैब टेक्नीशियन करके, ठीक है। बाकी अगर आपने MSc किया है तो फिर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पोस्टें आती हैं जो काफ़ी अच्छी होती हैं, आप जो है फार्मर्स के टच में रह सकते हैं, और इसके अलावा जो है फील्ड विजिट करेंगे आप, वहाँ पर जो है आप प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से गेन कर सकते हैं। अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र में हैं तो सभी क्रॉप्स का वहाँ पर डेमो होता है, इसके अलावा जो है साइंटिफिक तरीके से वहाँ पर कल्टिवेशन किया जाता है क्रॉप्स का। नंबर 15 पर है किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर में जो है एग्री ग्रेजुएट को ही खास कर रखा जाता है, ठीक ना। और कुछ सीनियर पोस्टिंग होती हैं जिसमें MSC AG मांगा जाता है, ठीक है। इसमें फिर अधिकतर फ्रेशर लोग ही जाते हैं किसान कॉल सेंटर में जो BSC AG किए रहते हैं। 16 में है लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन जो है या रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, या फिर यूनिवर्सिटी हो गई तो वहाँ पे जो है एग्री बेस्ड जो लेबोरेटरी होती है उसमें BSC AG करने वाले जा सकते हैं, ठीक है। नंबर 17 पर है असिस्टेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, तो असिस्टेंट एक्सटेंशन ऑफिसर में जो है BSC AG लोग जा सकते हैं। ये सारे जो है सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, जिसमें जो है काफ़ी ब्रॉड है, साथ में BSC AG के लोग जो हैं एक तो BSC यानी ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट लेवल की तो आप लोग जॉब पा ही सकते हैं। साथ में ये उसके अलग है जिसमें कोई और ग्रेजुएट नहीं जाता है, केवल BSC AG के ही लोग जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इसको जो है अच्छे से इसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। साथ में अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की कि BSC AG के लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो इसमें जो है सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहाँ पे सीड का जो है नई नई वैरायटी डेवलप होती हैं, वहाँ पे जो है BSC AG के भी लोग रखे जाते हैं, MSC AG पे जॉब मिलती है, और साथ में जो है PhD अगर आप किए हैं तो वहाँ पे PhD वालों को भी रखा जाता है। सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है कि वहाँ पे जो है सीड का पूरा जो है ट्रायल होता है, ठीक है, नई नई वैरायटियाँ बनाई जाती हैं, तो ऐसी जगहों पर भी BSC AG करके आप जो है जा सकते हैं, तो सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी। नंबर 2 है फूड प्रोसेसिंग यूनिट, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में भी आप लोग जा सकते हैं, जितने भी एग्री बेस्ड कंपनियाँ हैं जो प्रोसेसिंग करती हैं, अब जैसे वेजिटेबल्स हो गए या सीरियल्स हो गया, सीरियल्स का कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर आप जो है अगर वेजिटेबल्स हैं या कुछ फ्रूट्स हैं तो उसका फूड प्रोसेसिंग करके बनाए जाते हैं नए प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे अचार बनता है, जैम जेली बनता है, तो वहाँ पे जो है BSC AG की डिमांड होती है, BSC AG करके आप जो है जा सकते हैं। नंबर 3rd है मशीनरी इंडस्ट्री, तो एग्रीकल्चर बेस्ड जो मशीनरी इंडस्ट्री है वहाँ पे भी BSC AG के लोग जा सकते हैं। नंबर 4 है एग्रीकल्चरल सेल्स ऑफिसर्स,
जो एग्री प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स के हो गए, और साथ में जो है कुछ स्पेशल जो है प्रोडक्ट की हो गई, तो वहाँ पे जो है पहले सेल्स ऑफिसर्स भी आप जो है जा सकते हैं। तो इसके अलावा जो है फार्म मैनेजर, तो क्या होता है कि जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं जहाँ पे क्रॉप का जो है कल्टीवेशन किया जाता है, तो ऐसी जगह पे फार्म मैनेजर के रूप में भी, फार्म असिस्टेंट या फार्म मैनेजर के रूप में ये सीएजी के लोग जा सकते हैं। साथ में जो है नंबर सिक्स है एग्री बिजनेस एंड एग्री क्लिनिक। एग्री बिजनेस एग्री क्लिनिक का जो है ट्रेनिंग होती है, ठीक है, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो इसको आप करके अपना जो है बिजनेस ओपन कर सकते हैं। इसमें लगभग 40% जो है आप लगाएंगे और 60% का यहाँ पे अनुदान होता है, ठीक है, तो 40-60 का रेशियो होता है। इसके अलावा जो नंबर 8 पर है इंश्योरेंस, नहीं नंबर 7 एनजीओ। एनजीओ क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं जो रूरल डेवलपमेंट का होता है, विलेज डेवलपमेंट का होता है, जहाँ पे आप एक आपको जो है एक्सटेंशन के रूप में या फिर डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत सारे मिशन चलाए जाते हैं। तो ये मिशन जो है ब्लॉक लेवल पे चलते हैं, यहाँ पर एनजीओ, कुछ एनजीओ होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ और एनजीओ के साथ मिल के प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं। एग्री ग्रेजुएट्स जा सकते हैं, एमएससी एजी अगर किए हैं तब भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 8 पर है इंश्योरेंस ऑफिसर, तो लोन वगैरह जो कंपनियां देती हैं, बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं, ठीक है ना, तो इंश्योरेंस वगैरह भी देते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। नंबर 9 है एरिया मैनेजर, तो जो सेल्स मैनेजर होते हैं ऐसे ही कुछ ज़िलों में जो है, जैसे अगर एरिया मैनेजर है तो वो जो है किसी एक पूरे 2-3 जिले के कारोबार को देखते हैं, ठीक है, तो एरिया मैनेजर के रूप में आप कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 है एग्री केमिकल कंपनी, बहुत सारे जो जहाँ पे ऐसी केमिकल कंपनी है जो पेस्टिसाइड्स हो गए हैं, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स हो गए हैं, ठीक है, तो ये सब प्रोडक्ट जो है बायो फर्टिलाइजर्स हो गए हैं, ये सब डेवलप करती हैं, ठीक है ना, ये सब जो प्रोड्यूस करती हैं, तो इनका प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे जो है ये सीएजी करने वाले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये पूरा ओवरऑल है कि अभी मैंने बताया जो है गवर्नमेंट सेक्टर कौन कौन से हैं और प्राइवेट सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो अगर आप लोग जो है तैयारी करें अच्छे से तो काफ़ी जो है आसानी है जो है जॉब पा सकते हैं अदर ग्रेजुएट्स के कंपेरिजन में। तो ठीक है, ये पूरा ओवरऑल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो है किसी एक पार्टिकल सेक्टर्स पे जो है, या किसी एक जैसे इफको हो गया, या फिर जो है एनएससी हो गया, या फिर जितने एग्रीकल्चर बेस्ड है बोर्ड है उसका हो गया, तो किसी एक पार्टिकुलर जॉब्स के बारे में अगर मैं बताऊँ डिटेल्स में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, साथ में कोई भी आपका सुझाव हो तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।